Hey guys, I'm Shuchi and welcome to India Glitz Bollywood. Actress Kangana Ranaut अपनी बयानबाजी को लेकर काफी सुर्खियां बटोरती हैं। अभी हाल ही में फिल्म ब्रह्मास्त्र के रिलीज होने के बाद उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर अयान मुखर्जी और फिल्म के एक्ट्रेस को भी निशाना बनाते हुए काफी कुछ कहा, तो वहीं उन्होंने करण जौहर की भी खूब आलोचना की। कंगना ने अयान मुखर्जी पर झूठ बेचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके ब्रह्मास्त्र की टीम पर निशाना साधा है। इतना ही नहीं, कंगना ने ये तक कह दिया कि अयान मुखर्जी ने 600 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए। वहीं उन्होंने करण जौहर और फिल्म के एक्ट्रेस आलिया और रणबीर को निशाना बनाते हुए कहा, करण जौहर हर शो में लोगों को ये कहने के लिए मजबूर करते हैं कि आलिया और रणबीर बेस्ट एक्टर्स हैं और अयान मुखर्जी जीनियस। करण जौहर ने अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर और डायरेक्टर से भीख मांगी। कंगना ने आगे कहा कि करण जौहर जैसे लोग जो हर काम झूठ की बुनियाद पर करते हैं, वो टिकट्स, रिव्यूज और झूठे कलेक्शन नंबर खरीदते हैं, पर ईमानदारी से एक अच्छी फिल्म नहीं बना सकते। और वो यही नहीं रुकी, उन्होंने अयान मुखर्जी के लिए कहा कि फिल्म के डायरेक्टर ने अब तक कोई अच्छी फिल्म नहीं बनाई और भारत में कितने स्टूडियोज इन फिल्मों की वजह से बंद होंगे। इस फिल्म को फंड करने के लिए फॉक्स स्टूडियो को खुद को बेचना पड़ा। उन्होंने अयान मुखर्जी पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का भी आरोप लगाया। फिल्म ब्रह्मास्त्र ने एक अच्छी ओपनिंग के साथ थिएटर्स में शुरुआत की, पर फिल्म को मिक्स रिव्यूज मिल रहे हैं। एक तरफ जहां लोग फिल्म में एक्ट्रेस के काम और विजुअल इफेक्ट्स की काफी तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं फिल्म की कहानी को लेकर लोग ज्यादा खुश नजर नहीं आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल इफ यू हैवंट येट। यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम।